हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बीच में क्या डिफरेंस है कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन सिस्को सीसीएनए एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चलिए शुरुआत करते हैं कोलिजन डोमेन से। कोलिजन डोमेन दो शब्दों से मिलकर बना है कोलिजन और डोमेन कोलिजन का मतलब है टक्कर या टकराव होना जबकि डोमेन का मतलब है एरिया या रीजन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोलिजन डोमेन एक नेटवर्क या नेटवर्क के एक ऐसे हिस्से को बोलते हैं जिनके बीच में रखे हुए एंड डिवाइसेस या कंप्यूटर्स के बीच में कभी भी डेटा कोलिजन हो सकता हो हमारे नेटवर्क्स में डेटा कोलिजन तभी हो सकता है जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस किसी शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर एक ही समय पर डेटा को सेंड करने की कोशिश करें जैसा कि, फॉर एग्जांपल हमारे नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर्स या एंड डिवाइसेस किसी शेयर्ड मीडिया को यूज कर रहे हो और वो नेटवर्क रिपीटर या नेटवर्क हब के द्वारा आपस में कनेक्टेड हो तो ऐसे नेटवर्क में डेटा पैकेट का कभी भी आपस में कोलिजन हो सकता है तो ऐसे नेटवर्क को एक सिंगल कोलिजन डोमेन कहा जाता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नेटवर्क के किसी कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स या नेटवर्क अडेप्टर्स लगे हों तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेटवर्क अडेप्टर्स अलग अलग कोलिजन डोमेन में हों तो अगर हम मोर टेक्निकल वे में ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोलिजन डोमेन ग्रुप ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स है जिनमें कभी भी आपस में डेटा कोलिजन हो सकता हो चलिए अब जानते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में ब्रॉडकास्ट डोमेन भी दो शब्दों से मिलकर बना है एक ब्रॉडकास्ट और दूसरा डोमेन ब्रॉडकास्ट का मतलब है ऐसे मैसेजेस जो नेटवर्क में रखे हुए बाकी सभी डिवाइसेस तक एक ही बार में पहुंच जाएं, यानी के वन टू ऑल टाइप ऑफ मैसेजेस और डोमेन का मतलब अगेन एरिया या रीजन को बोला जा रहा है तो यहाँ पे नेटवर्क में रखे हुए सभी नोड्स या कंप्यूटर्स ब्रॉडकास्ट के जरिए नेटवर्क के सभी दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंच सकते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन कंप्यूटर नेटवर्क के एक ही सेगमेंट में जैसे रिपीटर्स या हब्स के केस में या फिर नेटवर्क के अलग अलग सेगमेंट्स में भी फैला हो सकता है जैसा कि स्विचेस के केस में बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन लेयर टू का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे चलिए इसे भी एक पिक्चर से समझ लेते हैं मान लीजिए हमारे नेटवर्क में चार डिवाइसेज हैं या चार कंप्यूटर्स हैं और ये चारों के चारों स्विच से कनेक्टेड हैं इस केस में इन चारों कंप्यूटर्स में से कोई भी अगर ब्रॉडकास्ट सेंड करे तो वो बाकी के तीनों को मिलना चाहिए तभी ये चारों के चारों कंप्यूटर्स सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में कहे जा सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर बी एक ब्रॉडकास्ट सेंड करे तो वो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के दूसरे डिवाइसेस ए सी और डी को पहुंचना चाहिए तभी हम इसे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि किसी कंप्यूटर में एक से ज्यादा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स या नेटवर्क अडेप्टर्स लगे हों तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन ग्रुप ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स है जिनमें से अगर एक नेटवर्क कार्ड ब्रॉडकास्ट सेंड करे तो वो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के बाकी सभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडेप्टर्स को मिलना चाहिए क्वेश्चन टाइम चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे बताइए कि उस डोमेन को क्या कहेंगे जिसका कोई भी एंड डिवाइस या कंप्यूटर अगर वन टू ऑल मैसेज सेंड करे तो वो उस नेटवर्क के या डोमेन के बाकी सभी डिवाइसेस रिसीव कर सके आपकी ऑप्शन है ए कोलिजन डोमेन या सी डी या फिर बी ब्रॉडकास्ट डोमेन या बी डी आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें चलिए हम हब्स स्विचेस और राउटर्स में कोलिजन डोमेन्स और ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं कोलिजन डोमेन से लेकिन उससे पहले कोलिजन डोमेन के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लें हब्स के केसेस में हब्स के सभी पोर्ट्स सेम कोलिजन डोमेन में होते हैं यानी कि इसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस के डेटा में कभी भी कोलिजन हो सकता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शेयर्ड मीडिया को यूज करते हैं जबकि ब्रिजेस स्विचेस और राउटर्स के केस में इन सभी डिवाइसेस के सभी पोर्ट्स अलग अलग कोलिजन डोमेन्स में होते हैं यानी कि अगर स्विच एट पोर्ट्स का है तो उसके एट सेपरेट कोलिजन डोमेन्स होंगे चलिए इसे हम एक पिक्चर में समझते हैं तो हब्स के केस में हब्स के सभी पोर्ट सेम कोलिजन डोमेन में हैं और ये शेयर्ड मीडिया को यूज करते हैं और इनमें कभी भी कोलिजन आपस में हो सकता है इसे दूर करने के लिए एथरनेट में सी एस एम ए सी डी टेक्निक को यूज किया जाता है लेकिन फिर भी रिपीटर्स और हब्स के साथ कनेक्टेड डिवाइसेज में आपस में कोलिजन होता रहता है इसके साथ साथ स्विच के सभी पोर्ट्स अलग अलग कोलिजन डोमेन्स में होते हैं यानी कि सेपरेट कोलिजन डोमेन्स में और इनमें कोलिजन होने की संभावना नहीं रहती है यानी कि अगर हमारा स्विच 24 पोर्ट स्विच है तो उसके सभी 24 के 24 पोर्ट्स अलग अलग कोलिजन डोमेन में होंगे जैसे कि हमने अपने पिक्चर में स्विच के साथ तीन डिवाइसेज को कनेक्टेड दिखाया है जैसे कि एक हब और दो पीसी, और ये तीनों के तीनों डिवाइसेस अलग अलग कोलिजन डोमेन्स में होंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए हब का अपना एक कोलिजन डोमेन है उसके सभी डिवाइसेस एक ही कोलिजन डोमेन में है लेकिन जब वो स्विच से कनेक्ट होगा तो क्योंकि स्विच का हर एक पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन है तो ये स्विच के दूसरे कनेक्टेड डिवाइसेस से डिफरेंट कोलिजन डोमेन्स में होगा और इन कनेक्टेड डिवाइसेस चाहे वो पीसीज हो इनमें कोई कोलिजन नहीं हो सकता ध्यान दीजिए ये बात मैं स्विच के केस में कह रहा हूँ हब के साथ कनेक्टेड सभी डिवाइसेज में आपस में अभी भी कोलिजन हो सकता है इसी तरीके से राउटर्स के केस के में राउटर के सभी इंटरफ़ेसेस सेपरेट कोलिजन डोमेन को, को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस केस में राउटर के तीन इंटरफ़ेसेस हैं, एक स्विच के साथ कनेक्टेड और दो मान लीजिए पीसीस के साथ कनेक्टेड या ये भी स्विचेस के साथ या दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो ये सभी के सभी इंटरफेसेज एक सेपरेट कोलिजन डोमेन की तरह एक्ट करते हैं इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रॉडकास्ट डोमेन के केस में हब्स और स्विचेस में सभी के सभी पोर्ट सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं जबकि राउटर के, के केस में राउटर के सभी इंटरफेसेस या पोर्ट्स सेपरेट या डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं इसका मतलब स्विचेस या हब्स के साथ कनेक्टेड डिवाइसेज में से अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करे तो वो हब और स्विच के साथ कनेक्टेड बाकी सभी डिवाइसेज को रिसीव होता है इसमें एक एक्सेप्शन है जिसे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे वो VLANs के केस में है लेकिन अभी आप इतना जानिए कि हब्स और स्विचेस के सभी पोर्ट्स सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं और जबकि राउटर के सभी इंटरफ़ेसेस या पोर्ट्स अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं चलिए इसे भी हम एक पिक्चर से समझते हैं मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में एक हब और एक स्विच लगा हुआ है और इनके साथ कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं कुछ पीसीज या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती हैं ये सभी के सभी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे यानी कि इनमें से कोई भी पीसी जब भी कोई ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के बाकी सभी डिवाइसेस तक पहुंच जाएगा जबकि अगर हम इस नेटवर्क को राउटर के साथ कनेक्ट करें तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि राउटर के सभी पोर्ट्स डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं तो जितने राउटर के इंटरफेसेज होंगे वो एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन की तरह एक्ट करेंगे तो इस केस में हमारे पास तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं चलिए जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम डिस्कस करते हैं हब्स और रिपीटर्स के सभी पोर्ट्स एक सिंगल कोलिजन डोमेन में होते हैं जबकि ब्रिजेस स्विचेज और राउटर्स के सभी पोर्ट्स अलग अलग कोलिजन डोमेन में होते हैं तो आपके सामने जो पिक्चर है उसमें हमारे पास सिक्स कोलिजन डोमेन्स हैं। इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट के डोमेन के केस में हब्स और स्विचेस के पोर्ट्स एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं जबकि राउटर के सभी इंटरफ़ेसेस या पोर्ट्स सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हब और स्विचेस का जो कि आपस में कनेक्टेड है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है जबकि राउटर के दो दूसरे इंटरफेसेज अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है यानी कि टोटल हमारे पास इस सिनेरियो में तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन है क्वेश्चन टाइम चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे बताइए कि राउटर के सभी पोर्ट्स या इंटरफेसेस ऑप्शन ए सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं या फिर ऑप्शन बी डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक like बटन को प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें तो इस वीडियो में हमने हब स्विचेस और राउटर्स में कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिस्कस किया तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग